दो वर्षों से पतंजलि गुरुकुलम की यात्रा प्रारंभ हुई है। इसमें कुछ विद्यार्थी पिछले वर्ष के हैं, तो 2 वर्ष में भी, अभी 1.5 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है, 1 महीना, 1 साल 4 महीने हुए, और गीता के 18 अध्याय इन्होंने स्मरण किए हैं, कुछ ने 4 महीने में, कुछ ने साल भर में, थोड़ा थोड़ा करके। तो एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए इनका। एक पूरा शास्त्र, ये तो एक शास्त्र की बात है, ऐसे ही दर्शन शास्त्र, उपनिषद और पूरे के पूरे वेद पतंजलि के ब्रह्मचारियों ने, आचार्यों ने कंठस्थ किए हैं। एक बार उन सबका अभिनंदन है। तो थोड़ा सा एक झलक आपको दिखाते हैं। बहुत से लोग निराश हो जाते हैं, क्या होगा हमारी पावनी ऋषियों की परंपरा का, गौतम कणाद जमिनी पाणिनि पतंजलि स्वामी विवेकानंद महर्षि दयानंद की वह पावनी परंपरा, वह हमारा ऋषियों का गौरव। और उस गौरव को वर्तमान में कौन स्वर देगा? तो आपके सामने थोड़ा सा एक इन ब्रह्मचारियों की जो विद्या है, इनके भीतर जो ऋषियों की ज्ञान परंपरा प्रतिष्ठित है, उसका थोड़ा सा संकेत यहाँ पर कर रहे हैं। तो गीता के प्रथम अध्याय के कुछ श्लोकों से प्रारंभ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्याय। धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, मामका पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्, पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढं दुर्पदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्, जितो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्, जित्वा वा भोक्षसे महिम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय, सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं पापाप्स्यसि। नियतं कुरु कर्म त्वम्, कर्म जयोज्य कर्मण, शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मण, यज्यार्थ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धन। काम एष क्रोध एष, काम एष क्रोधेश, रजो गुण समुद्भव, महाशनो महापाप, विद्यये नाम्य वैरिणम्। संन्यासः कर्मयोगश्च, संन्यासः कर्मयोगश्च, निःश्रेयस्तरा भुवौ, तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते, ज्ञेयः नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा, योगयुक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते, नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्। ये कहीं से भी हम पूछ रहे हैं कि जिससे कि आपको पता लग सके कि उन्होंने पूरी गीता कंठस्थ की है। मद अनुग्रहाय, मद अनुग्रहाय परमं स्वयं अध्यात्म संजितं यत्त्वयुक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अभयम सत्व संशुद्धेः, अभयम सत्व। आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, 2 तरह की संपदाएं हैं, एक भौतिक और आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक संपद क्या है वो गा रहे हैं, जरा जोरदार अभिनंदन कीजिए। अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांतिर पैशुनम, दया भूतेश्वरो लुप्तम, मार्दव वीर्य चापलम, तेज क्षमा धृति शौचम, अद्रोहणादि मानिता, भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातस्य भारत। दम्भोदर कोऽभिमानश्च क्रोधापारुष्यमेव च, अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। मुक्तसङ्गो अनहंवादी, मुक्तसङ्गो नहंवादी, धृत्युत्साह समन्विता, सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते, रागी कर्म फल प्रेप्सु, लुब्धो हिंसात्मको सुचि, हर्तसौकामिता कर्ता राजसः परिकीर्तिता। शमो दमस्तपः शोचं क्षान्ति, जानविज्ञानमस्तिक्यं ब्रह्मचर्म स्वभावजं, परिचर्यं युद्धे चाप्य पलायनं,
दानमीश्वर भावश्च क्षत्रम कर्म स्वभावजम् कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकम् कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वस्य कर्मण्येभिर्ता संसिद्धिं लभते नरः। तो ये पूरी गीता के 18 अध्याय हमने बीच बीच में से सुन लिए, एक बार जोरदार इनका अभिनंदन है। और ऐसे ही इन्होंने पूरी चाणक्य नीति भी याद की, थोड़े सुना दो, दो चार श्लोक चाणक्य नीति के। सब बोल लो। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे। ये सबको ही चाणक्य नीति पूरी याद है, ये चाणक्य के मार्ग पर चल रहे हैं सब। बोलो बोलो सब बोलो। कार्यम वाचा नैव प्रकाशये मंत्रेण रक्षेत गुणम कार्ये चापि नियोजयेत परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे पियवादिनम वर्जयेत आदिशं मित्रम विषाकुंभम पयोमुखम। वृद्धि राधैच गुणा इको गुण वृद्धि ना धातु लोप आर्द धातु के इंग्रीचा दीधि वे विटाम हलो नंतरा संयोगा मुख नासिका वचनु नासिका ऐसे अष्टाध्यायी के भी 4000 सूत्र कुछ ने याद कर लिए, कुछ अब याद करने की प्रक्रिया में चल रहे हैं। एक बार सबको अभिनंदन है। मैंने थोड़ा सा इसलिए कहा कि ये जो विद्या की परंपरा है कि लोग 10-10, 12-12 साल संस्कृत पढ़ते थे, जो वो 10-12 साल में पढ़ते थे और फिर भी पूरी गीता और दर्शन उपनिषद आदि शास्त्र उनको कंठस्थ नहीं हो पाते थे, वो काम इन्होंने 12 महीने में कर लिया, कुछ नहीं 4 महीने में कर लिया। एक बार जोरदार अभिनंदन है इनका। हम इस बात को लेकर के कई बार आशंकित रहते थे कि हमारी ऋषि परंपरा का क्या होगा, तो मैं एक बात बहुत प्रामाणिकता के साथ कहना चाहता हूं, ऋषि परंपरा का, ऋषियों का वंशधर जब तक एक भी जिंदा है तब तक भारतीय ऋषि वैदिक संस्कृति का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, उसका लोप नहीं हो सकता। और यह हमारी उस ऋषि परंपरा का एक गौरव पतंजलि गुरुकुलम है। पूरे देश में राम नाम की गूंज हो रही है। राम का क्या होगा, कृष्ण का क्या होगा, काशी विश्वनाथ का क्या होगा, तो मैं एक ही बात कहूंगा, ये देश राम और कृष्ण का देश है, भगवान शिव का देश है, ऋषियों का देश, और हम उन्हीं के वंशधर हैं। यहां हमारे मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन हमारे पूर्वज अलग नहीं हो सकते। ये चारों तरफ जो गांव बसे हैं इस पतंजलि गुरुकुलम के भी, यहां पर हिंदू धर्म को मानने वाले, यहां पर सिख मतानुयायी और हमारे बहुत से इस्लाम को मानने वाले मंच के नीचे भी, और हमारे दो प्रधान तो मंच के ऊपर भी, उन सबका हम अभिनंदन करते हैं। कुछ लोग मजहबों के नाम पर भी आग लगाते। मैंने यहाँ दोनों ग्राम प्रधानों से पूछा, भाई हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक श्रद्धेय मोहन भागवत जी आ रहे हैं, आपको कोई मजहबी इतराज तो नहीं है? तो हमारा ये आलम खा खड़ा हो गया, बोला बाबा जी खड़ा हो जा। बोला मैं तो बचपन से ही संघ का स्वयं सेवक हूँ बाबा जी, आपत्ति किस बात की, हमने तो राष्ट्र धर्म और सेवा धर्म संघ से सीखा। तो एक ऐसी पावनी परंपरा के, एक ऐसे हमारी पुण्यमयी परंपरा के वंशधर जिन्होंने लगभग 100 वर्षों में 2025 में संघ के, संघ आयु के, संघ कार्यों के, संघ के राष्ट्र धर्म सेवा धर्म के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, और तब तक मुझे लगता है भारत एक बहुत गौरवमयी स्थिति में पहुंच जाएगा, और 2040-50 तक तो पहुंचते पहुंचते भारत परम वैभवशाली जिसको हम विश्व गुरु जगत गुरु के रूप में देखना चाहते हैं, या उस अपने सिंहासन पर अपनी मातृभूमि पहुंचेगी, अपनी मातृभूमि को अपने आराध्य मान करके, राष्ट्र को अपना सर्वस्व मान करके, उस अपने पूर्वजों के ऋषि धर्म को, राष्ट्र धर्म को अंगीकार करके आगे बढ़ रही, यह हमारे उन ऋषियों की पावनी परंपरा है। और मैं तो राम के संदर्भ में तो एक बात कहता हूं, राम कोई राजनीतिक मुद्दा या एजेंडा नहीं इस देश में, राम इस राष्ट्र का स्वभाव है, राम इस राष्ट्र की संस्कृति है, राम इस राष्ट्र का आचरण है, वो हमारे स्वाभिमान, वो हमारे गौरव है, आन बान शान। और वो हिंदू और मुसलमान में बटे हुए नहीं, आज हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन हमारे पूर्वज अलग नहीं हो सकते। राम हिंदुओं के भी पूर्वज है तो मुसलमानों के भी पूर्वज है। तो मैं तो चाहता हूं कि ये अखाड़ा और अंसारी का बखेड़ा दूर हो जाना चाहिए, और जो
राम जन्मभूमि की जो जमीन है, अब भाई रजिस्ट्रियां तो लोगों ने अपने नाम नाम कर ली इस देश में, जो राम और कृष्ण का देश है, राम और कृष्ण के नाम एक इंच भी जमीन के रजिस्ट्री है? बोले ये तो जो है टाइटल सूट का मसला है। अरे टाइटल सूट का मसला नहीं, ये जमीन का मसला नहीं, ये हमारे जमीर का मसला है। कहां टाइटल सूट इसमें आ गया? हम सड़कें बनाने के लिए, हॉस्पिटल एयरपोर्ट बनाने के लिए जब जमीन का अधिग्रहण कर सकते हैं, तो इस राष्ट्र के गौरव पुरुष राम के लिए भूमि का अधिग्रहण क्यों नहीं हो सकता? सारा टाइटल का झगड़ा खत्म। और अखाड़े वालों को और अंसारी को भी इस बात को मानना चाहिए, भैया हम होते कौन है, ये धरती तो हमारे पूर्वजों की है, ये रजिस्ट्रियां तो अंग्रेजों के वक्त में शुरू हुई थी, हम तो कहते थे सभी भूमि गोपाल की, ईशावास्यम इदं सर्वम, यह तो सारा ऐश्वर्य भगवान का है, हम तो निमित्त मात्र हैं यहां पर। और बात मात्र मंदिर की नहीं है, कोई भी राष्ट्र अपने पूर्वजों को गौरव देता है। हमने तो कभी नहीं कहा कि मक्का मदीना में राम मंदिर बनाओ, हमने तो कहीं नहीं कहा कि वेटिकन सिटी में जो है वो शिव मंदिर बनाओ, हम तो कहते हैं अपने पूर्वजों की धरा पर अपने पूर्वजों को गौरव और सम्मान दो, उनके बताए मार्ग पर आगे बढ़ो, उन जैसा चरित्र कुछ। और वो राम और कृष्ण का चरित्र जीने वाले इस देश में कोटि कोटि हम भारतीय अपने उन पूर्वजों की परंपरा को लेकर के आगे चल रहे हैं। पतंजलि गुरुकुलम उसी पावनी परंपरा का एक इकाई है, उसका एक घटक है। पतंजलि योगपीठ का ये विराट वैभव तो बहुत लोगों को दिखाई देता है। पतंजलि योगपीठ दुनिया का सबसे बड़ा योग का संस्थान बन गया। पतंजलि आयुर्वेद दुनिया का सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा संस्थान बन गया। स्वदेशी का एक बहुत आदर्श एक अनुष्ठान बन गया। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र, धरती का स्वर्ग, यहीं आपके सामने योग ग्राम है। और आपको गौरव होना चाहिए कि योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति का ध्वजवाहक पतंजलि योगपीठ, ये आपका योगपीठ है, ये राष्ट्र का योगपीठ है। यह किसी परिवार की जागीर नहीं है, यह किसी उद्योगपति की उद्यमशीलता नहीं है, यह अपने ऋषि परंपरा का एक अनुष्ठान है। और ये पुरुषार्थ और परमार्थ, यह अर्थ से परमार्थ की पूरी यात्रा इसी अनुष्ठान के लिए। ये बाहर का वैभव पतंजलि योगपीठ का बहुत लोगों को दिखाई देता है, लेकिन इस पतंजलि योगपीठ की जो आत्मा है, ये तो शरीर है जो बाहर दिख रहा है। पूरे देश में फैला संगठन हो, चाहे लाखों लोगों को रोजगार मिला हो, करोड़ों लोगों की समृद्धि और करोड़ों किसानों का भविष्य संवरा हो, ये तो इस पतंजलि योगपीठ का, पतंजलि इसके अनुष्ठान का शरीर है। इस पतंजलि की आत्मा ये गुरुकुल है जो आपके सामने है, ये पतंजलि योगपीठ की आत्मा है, ये इसका वर्तमान है, ये इसका भविष्य है।